फ्रेंड कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक ही ब्रांड के दो लेटेस्ट में लॉन्च हुए स्मार्टफोन, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी F34 5G और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो गैलेक्सी के F34 5G को भी 18,999 रुपये के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के M34 5G को भी 18,999 रुपये के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। अगर आप लोग भी 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में अपने लिए सैमसंग का एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी के M34 5G में भी सैमसंग का एक्जिनोस 1280 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G में भी सैमसंग का एक्जिनोस 1280 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। गैलेक्सी के F34 5G में भी 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के M34 5G में भी 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले के साइज में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। गैलेक्सी के F34 5G में 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी की दो कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के M34 5G के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेम ही अपर्चर का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी के F34 5G में भी 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैलेक्सी के M34 5G में भी 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर कहूं तो इन दोनों स्मार्टफोन के सिर्फ नाम में ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे। गैलेक्सी के F34 5G में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैलेक्सी के M34 5G में भी 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे, बस इन दोनों स्मार्टफोन के नाम में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि गैलेक्सी के F34 5G को आप लोग फ्लिपकार्ट से ही सिर्फ बाय कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ गैलेक्सी के M34 5G को सिर्फ अमेज़न से बाय कर सकते हैं। अब ये आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग गैलेक्सी के F34 5G को फ्लिपकार्ट से बाय करना चाहते हो या फिर गैलेक्सी के M34 5G को अमेज़न से बाय करना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इन दोनों में से किस स्मार्टफोन को लेना पसंद करोगे।